युधिष्ठिर बड़ा भरा सी और राज तख्त का मालिक भी सी। उसने दोवें हाथ जोड़ के प्रार्थना की थी, प्रभु भगवान कैसे जानिए कलयुग आ गया। कृष्ण जी कहन लगे द्वापर खत्म होने वाला है, कलयुग ने अपने पैर दुनिया विच आ पाए हैं। फिर युधिष्ठिर ने पूछया कलयुग के की लक्षण हैं, किवें पछाणिए किवें जाणिया जावे कलयुग है। सो उन्हां कहा सवेर वेले इशनान आदि करके जो तुसी अपने रोज के नितनेम करने वास्ते बैठोगे, उस मौके थानू दृष्टांत होणगे, वो कलयुग के लक्षण समझ लेना। ये पंजे भरा बड़े परमात्मा सन, भगवान के भक्त भी सन। जितनी देर तक सवेरे इशनान अपना नितनेम भजन का ना कर लेंदे, किसी काम विच प्रवृत्त नहीं सन होंदे। भगवान कृष्ण ने इन्हें यह कुछ कहा सी, जो तुसी सवेरे इशनान करके अपने भजन वास्ते बैठोगे, उस मौके थोनू कुछ न कुछ दृष्टांत होंगे नजर आएगा, वो तुसी कलयुग के लक्षण समझ लेना। इन्होंने कलयुग के लक्षण पूछा सी। सो इसी तरह अज सवेरे उठ के सोच दातन कुरला करके इशनान करके अपने अपने आसना ते आस चौंकड़ा लगा के बैठ गए, नेत्र मीट के अपनी सुरत नूं अपने ख्याल नूं रोज दे सुभाव दे मुताबक जिथे रोज टकाउंदे सन प्रभु दे ध्यान दे विच टकाउण दी कोशिश कीती। लेकिन अज किसी दा भी ख्याल नहीं जमदा, किसी दा भी मन एकागर नहीं हुंदा, किसी नूं कुछ दिंदा है किसी नूं कुछ दिंदा है। अलहदा दृष्टान देखे पर समझ कुछ ना पै सकी। कहा सी तुहानू दृष्टांत होणगे, ओह कलयुग दे लक्षण होणगे, पर इन्हां नूं इस गल दी समझ कुछ ना पई। शाम नूं भगवान नूं मिलण वास्ते आउंदे हन, नमस्कार करके बैठ गए। युधिष्ठिर ने प्रार्थना कीती, प्रभु आपदा हुक्म सी भजन वेले कुछ दृष्टांत होणगे जो कि कलयुगकाल दे लक्षण होणगे, पर सानू समझ कुछ नहीं पई, किरपा करके इन्हां दा निर्णा करके सानू समझा दिओ, बड़ी मेहरबानी होवेगी। तो जदों युधिष्ठिर ने प्रार्थना कीती, उस मौके कृष्ण जी कहण लगे अपना अपना दृष्टांत दसो ताकि थोनू उन्हां दा निर्णा करके दस दिता जाए। पहले युधिष्ठिर कहण लगा जिस वक्त मैं अपने आसन पे बैठा चौंकड़ा लगा के अपने ख्याल नूं बाहरों संकोच के रोज दे सुभा दे मुताबक प्रभु ध्यान सिमरन विच जोड़न लगा, अगे जुड़ जांदा सी, लेकिन अज मैनू एक हंस नजर आया जिसका रंग सफेद सी, एक खंभ ते पुराण एक ते पुराण, और वो हंस कीड़े मार मार खांदा सी। ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਪਈ ਪਹਿਲੇ ਹੰਸਾਂ ਦੇ ਖੰਭਾਂ ਤੇ ਪੁਰਾਣ ਪੁਰਾਣ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਫਿਰ ਹੰਸਾਂ ਦਾ ਖਾਜਾ ਹੀਰੇ ਮੋਤੀ ਹੁੰਦਾ, ਕੀੜੇ ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਕੇ ਖਾਇਆ ਕਰਦੇ, ਇਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਮਝਾਓ। ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹ ਕਲਯੁਗ ਦਾ ਹੀ ਲੱਛਣ ਹੈ। ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣਾ ਵਾਚਣ ਵਾਲੇ ਔਰ ਪੁਰਾਣਾ ਵਾਚਣ ਵਾਲੇ ਮਤ ਮਤਾਂਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਵਾਲੇ ਇਸ਼ਾਰਾ। तो वो जो पुराना पुराना विच कथन कीता है, दो किस्म दे कर्तव्य दसे हैं, एक त्यागण योग एक ग्रहण करण योग। करण योग जेड़े कर्म दुखदाई हैं जिन्हां दा फल दुख है, एथे उथे उन्हां दे परित्याग दे वास्ते प्रेरणा कीती है। जिन्हां कर्मां दा फल सुख है दुनी जहानी, उन्हां कर्मां नूं करन दी प्रेरणा कीती है। सो
इस करके कलू काल दे जमाने दे पुराना पुराना आदि वाचन वाले विद्वान वाले इशारा भी जो उन्होंने कथन किया है उन्होंने अनुसार नहीं चलिया करेंगे बल्कि अपनी कार्रवाई उठाएगी उन्होंने एक कलू काल दे लक्षण समझ लेना कलयुग दे विच दूसरे भीमसेन नूं पुछया गया वो कहिंदा मैं एक हाथी देखा दो सुंडां वाला एक दिन घा खांदा सी एक दिन मांस खांदा सी हाथी दे दो सुंडां नहीं हुंदियां एक सुंड होया करदी है तो कृष्ण जी कहणगे ठीक है दरअसल तैनूं इस बहाने कलयुग दे कुछ लक्षण दसे गए हैं कलयुग दे विच न्यायकारी न्याय ते बिठाए हुए जिहड़े लोग हैं राजा लोग कह लो न्यायकारी कह लो सो उन्हां दा फर्ज प्रजा नूं सुख देना होया करदा पर कलयुग दे विच ऐसा होवेगा वो सच्चे झूठे दोनों तो वड्डियां लै के काम कुछ नहीं करया करेंगे एक कलयुग दा बड़ परतारा होएगा पब्लिक दुखी हो जाएगी इंसाफ नहीं मिलया करेगा सो तीसरे अर्जुन नूं पुछिया तू दस अर्जुन कहन लगा मैं एक गऊ देखी जो अपनी बच्छी नूं चुंगी जांदी सी उल्ट गल चुंगना बच्छी ने गां नूं सी कहन लगे हां एक कलयुग दा दृष्टांत है कलयुग दे समय दे विच जो लोग लड़कियां दा पैसा लेके खाया करेंगे उल्टा जिहड़ा उन्होंने कुछ देना बनता है या वक्त आ जाएगा लोकी लड़कियां दा पैसा भी लेके खाया करेंगे पहले मंगया करेंगे की देने इसका नतीजा दुखी होना है इस करके ये भी कलयुग दा लक्षण ही होएगा चौथे नकल कहन लगा मैं तिनकू देखे मतवातर विचालड़ा सुका दो लांदे विच पानी पानी वाल दी धारा एक दूजे नाल ताल्लक रखदी है विचालड़ा सुके दा सुका ये कृपा करके दसो कहन लगे हां ये भी कलयुग दे लक्षण हैं कलू काल दे विच लोकी नजदीकियां नालों हितमोह तोड़ के दूर इन्हां दा हितमोह होया करेगा इस करके धन दौलत दई प्यार रह जाएगा स्त्री पुरखे दामित तो भावे आए कि थां हूं जाही एक कलयुग के लक्षण होणगे पंजवें सहदेव कहण लग्या मैं एक पहाड़ तो हजारा मन का पत्थर उड़ता देखिया बड़े बड़े केलों चील लियारा दे दरख्तां नूं फंदा तोड़दा चला रहा है कोई भी दरख्त उसनू रोकने समर्थ ना हो सकिया अखीर सूखम पीला घर आ गया जिस दे आसरे वो हजारा मन का पत्थर ठलिया गया उस सूखम पीले कादे नू तोड़न समर्थ ना हो सकिया सो ये बचन सुन के कहन लगे हां ये कलयुग दा ही लक्षण कलयुग दे विच लोकी पहले समय वांगू कई बाज साधन करके अपने मन नूं एकाग्र करन दी कोशिश करा करनगे पहाड़ पाप हैं जिहड़ा पत्थर है वड्डा केलों चील लियारा दे दरख्त ये बाज बेरंग साधन हन इन्हां द्वारा मन नूं एकाग्र करन दी कोशिश करा करनगे पर इन्हां द्वारा मन एकाग्र नहीं होया करेगा मन नूं एकाग्र करन दा साधन एक सूखम पीला घा दा की प्रभु दा नाम है परमेश्वर दा नाम है जिस दे हिरदे विच परमेश्वर दा नाम वस जाया करेगा उन्हें पाप हो जाया करेगा एक अखर हर मन वस्त नानक होत निहाल ताते कलयुग दे विच नाम दी महत्ता है नाम दी महिमा है।